आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। पीएम मोदी आज शाम 4 बजे करेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, मुख्यमंत्रियों से कोविड के हालातों पर लेंगे जानकारी। उत्तराखंड में सीएम धामी ने जीत का किया दावा, कहा चुनाव में जीत के प्रति है आश्वस्त जनता को, बीजेपी पर है भरोसा। एसडीआरएफ की टीम ने बर्फबारी में फंसे 8 लोगों का किया रेस्क्यू, कुमटी गांव के सिद्ध मंदिर के पास फंसे थे लोग। कोरोना के नए मामलों में कमी, 24 घंटे में आए 1,68,000 नए मामले, पॉजिटिविटी रेट अब 10.64%। पिछले 24 घंटे में बारिश और बर्फबारी का दौर जारी, गढ़वाल और कुमाऊं के पहाड़ी जिलों में जमकर हुई बर्फबारी। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बीते सोमवार को कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भ्रष्टाचार पर्यायवाची है, भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस के कारनामे सभी ने देखे हैं, उनके कार्यकाल में किस तरह माफिया हावी थे। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 में जनता ने जिस तरह कांग्रेस को विदा किया था, इस बार के विधानसभा चुनाव में उसकी हालत उससे भी बदतर होने वाली है। साथ ही चुटकी ली और कहा कि कांग्रेस की स्थिति आज 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली जैसी है। ये भी जोड़ा कि सूप बोले बोले छलनी भी बोले, जिसमें 256 छेद। मुख्यमंत्री ने कहा कि काफी समय पहले उन्होंने द फाउंटेन हेड नामक पुस्तक पढ़ी और अब कांग्रेस को देखकर यकीन होता है कि भ्रष्टाचार की फाउंटेन हेड यही पार्टी है। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कांग्रेस के काले और खूनी पंजे से देवभूमि को दूर रखना जरूरी है। चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं, तो वहीं विधानसभा पिरान कलियर से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी इंजीनियर शादाब आलम ने कहा कि भाजपा सरकार जुमलेबाज सरकार है और किसान विरोधी है। सरकार ने महंगाई से जनता की कमर तोड़ दी है और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है कि आज के युवा डिग्रियां उठाते घूम रहे हैं रोजगार की तलाश में, लेकिन सरकार रोजगार देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि विकास को लेकर बात करें तो पिरान कलियर एक धार्मिक स्थल है, यहाँ के विधायक कांग्रेसी हैं, 10 साल राज कर चुके हैं पर 5 साल से टूटा पड़ा पुल का समाधान नहीं हुआ है। तो वहीं कलियर विधायक पर आरोप लगाते हुए शादाब आलम ने कहा कि अगर मेरा चेहरा विधायक के रूप में जनता के सामने आता है तो जनता को सबसे पहले शिक्षा और रोजगार देने का काम किया जाएगा और विधायक निधि विधानसभा वासियों को सौंप दी जाएगी और जनता को इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा। जनता की सेवा के लिए हमेशा उनके द्वार पर ही खड़ा रहूंगा। खबर पौड़ी गढ़वाल से है, जहां जिलाधिकारी डॉक्टर विनय कुमार जोगदंडे के दिशा निर्देश पर कोविड 19 संक्रमण की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग ने फ्रंटलाइन वर्कर और 60 वर्ष से अधिक वाले लोगों का तीसरा टीकाकरण प्रारंभ किया गया। जिलाधिकारी ने कहा कि टीकाकरण में तेजी लाते हुए गंभीरता से कार्य करें, जिन लोगों को दूसरी डोज और 9 माह का समय पूर्ण हो गया है उन्हें इस अभियान में शामिल किया जाए। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया कि 60 वर्ष से अधिक वाले लोगों को चिन्हित कर टीकाकरण करवाएं, जिससे कोविड 19 संक्रमण का कम खतरा बने। वैक्सीनेशन के अभियान के अंतर्गत हमारे जनपद में जितने भी ऐसे फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं और 60 साल से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक हैं, जिनके द्वारा जो है सेकेंड डोज लगाई जा चुकी है और जिनको जो है सेकेंड डोज लगाने के उपरांत 9 माह का समय बीत चुका है, ऐसे सभी पात्र व्यक्तियों को जो है कोविड का जो प्रिकॉशनरी डोज होता है उसको लगाने के लिए हम लोगों ने आज से अभियान शुरू किया है। प्रथम फेज में जितने भी हेल्थ केयर वर्कर हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको हम टारगेट कर रहे हैं। साथ साथ में जो ऐसे वृद्ध व्यक्ति हैं जो 60 साल से अधिक है और 9 महीने का उनको टीका लगाकर हो चुका है, उनको हम लोग जो है प्रिकॉशनरी डोज का अभियान में जोड़ रहे हैं। हम आशा करते हैं कि अगले 1 वीक के अंदर सभी पात्र।
अब खबर चंपावत से है, जहां देवीधुरा में एसबीआई ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान ने एनआरएलएम समूह से जुड़ी गरीब और बेरोजगार महिलाओं के लिए 21 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। सीनियर ट्रेनर मुन्नी बोरा और पार्वती देवी के द्वारा महिलाओं को बुनाई और क्रोशेट पर आधारित प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिससे ग्रामीण महिलाओं को अपनी आजीविका चलाने में काफी मदद मिलेगी। पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ ऊनी कपड़ों की मांग अधिक रहती है, इसलिए महिलाएं अपना बिजनेस खुद चला सकती हैं। देवीधुरा में महिलाओं के इस 21 दिवसीय क्रोशनेट का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आरसीटी के तत्वावधान में शुरू हो रहा है। 21 दिनों तक का महिलाएं यहाँ पे क्रोशनेट से रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाएंगी और उसमें मास्टर ट्रेनर जो हैं पार्वती जी, उनको क्रोशिया से रिलेटेड बहुत सारे आइटम्स बनाना सिखाएंगी, जिससे वो आजीविका संवर्धन कर सकें और ट्रेनिंग के बाद जो है आरसीटी के माध्यम से उनको हम 2 साल तक हैंड होल्डिंग भी उनका करते हैं और उसके माध्यम से जो है उनको स्वरोजगार स्थापित करने में आरसीटी पूरा पूरा महिलाओं को सहयोग। हरिद्वार जिला प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मकर संक्रांति स्नान पर पाबंदी लगा दी है। सोमवार देर शाम जारी आदेश में जिलाधिकारी विनय शंकर पांडे ने निर्देश दिए हैं कि मकर संक्रांति के दिन स्थानीय और बाहरी किसी भी व्यक्ति को गंगा स्नान के लिए हर की पौड़ी सहित सभी गंगा घाटों पर जाने की अनुमति नहीं होगी। किसी भी सूरत में गंगा स्नान की किसी को अनुमति नहीं दी जाएगी। धनौरी में बीती रात एक गोदाम की लोहे की चादर फाड़कर अज्ञात चोर हजारों रुपए की कीमत का सामान चोरी कर आराम से फरार हो गए। धनौरी में मिली जानकारी के अनुसार बेडपुर चौराहे के पास गुरु नानक ढाबा पर सहारनपुर निवासी सिद्धार्थ जैन पुत्र सुनील जैन का सामान का गोदाम है और इमली खेड़ा पुलिस को दी तहरीर में पीड़ित ने बताया कि 8 और 9 जनवरी की रात अज्ञात चोर गोदाम की लोहे की चादर फाड़कर गोदाम के अंदर दाखिल हुए। गोदाम में रखा करीब 40,000 रुपए का सामान चुराकर आराम से फरार हो गए। पीड़ित ने बताया कि करीब 2 माह पूर्व भी गोदाम से अज्ञात चोर 35,000 नगद और 15,000 रुपए का सामान चुराकर भाग गए थे और इस घटना को लेकर इमलीखेड़ा चौकी प्रभारी आमिर खान ने बताया कि मामले की तहरीर मिल गई है, कुछ संदिग्ध युवकों से पूछताछ की जा रही है, जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। हमारे गोदाम में जब हमने गोदाम में खोल के देखा तो हमने कैमरे चलाए गोदाम में रोज की तरह, तो कैमरे में आया नो सिग्नल। जब हमने नो सिग्नल के बाद देखा तो हमारा कैमरे का डीवीआर, कैमरे भी गायब थे, डीवीआर भी गायब था, फिर हमारा दुकान से सामान भी गायब था। फिर हमने गोदाम में सामान चेक करा, हमारे टिन शेड वगैरह फाड़ रखे थे कोने से, फिर लगभग हमारी 30-40 हज़ार रुपये के सामान गायब हैं। और इससे पहले भी 2 माह पूर्व हमारी दुकान में 40-50 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ था, उसमें भी कोई कार्रवाई। खबर हरिद्वार से है, जहां धनौरी के सैनी ढाबा के स्वामी को रतमऊ नदी के पुल पर पिछले साल 3 लोगों ने हत्या का प्रयास किया था। जानलेवा हमला कर लहूलुहान हालत में छोड़ गए थे, जिसके बाद डीजीपी के निर्देश पर मुख्य साजिशकर्ता भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कोषाध्यक्ष अमित सैनी को पतंजलि चौराहे से सोमवार को गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं शाहंतर शाह चौकी इंचार्ज गजेंद्र सिंह ने बताया कि आरोपी धारा 307 के मुकदमे में फरार चल रहा था, जिसको थाना रायवाला पुलिस टीम गिरफ्तार करके ले गई। चंपावत में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सकुशल संपन्न कराए जाने हेतु लागू आदर्श आचार संहिता लगने के बाद जनपद मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन क्रैक डाउन के तहत एसओजी और बनबसा पुलिस टीम द्वारा पीलीभीत उत्तर प्रदेश के 2 अंतर जनपदीय स्मैक तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से पुलिस ने 250 ग्राम स्मैक बरामद की है। दोनों तस्करों पर कार्रवाई करते हुए अभियुक्तों के बैंक खातों और उनकी चल अचल संपत्ति की जब्ती की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस टीम के उत्साहवर्धन हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक कुमाऊं परिक्षेत्र नैनीताल द्वारा 5,000 रुपए और पुलिस अधीक्षक चंपावत द्वारा 2,500 रुपए इनाम की घोषणा की गई है।
भाजपुर में पुलिस ने 12 बोर अवैध तमंचे के साथ युवक को गिरफ्तार किया है। युवक की गिरफ्तारी के बाद एक पीड़ित ने जानकारी देते हुए बताया कि शातिर युवक ने कुछ महीने पहले उनकी बेटी के साथ छेड़खानी की और छेड़खानी के मामले में वो जेल भी गया था। बाद में जमानत पर छूटने पर युवक फिर से उनके घर पहुंचा और तमंचे के साथ उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगा। इस मामले में सीओ वंदना वर्मा ने बताया कि लड़की से छेड़छाड़ के मामले में जेल गया था व्यक्ति और जमानत पर आया है। अब शातिर युवक पर जमानत के कैंसिलेशन के लिए कार्रवाई की जा रही है। टोपा का मामला है, ये वादी है राम दुलारे। इनका एक 6 महीने पहले इनकी जो नाबालिग पुत्री है उसके साथ पॉक्सो का मामला दर्ज हुआ था, जिसमें हमने एक अभियुक्त राहुल को जेल भेजा था पाजपुर थाने से ही। वर्तमान में वो अभियुक्त बाहर आया और इनके घर पर 12 बोर की ये तमंचा लेकर इनको डराने धमकाने का प्रयास किया और इस प्रयास में इन्होंने इनके बीच में आपस में कहासुनी हुई और उसके बाद ये इसे स्वयं ही थाने पर पकड़ कर ले आए। इसके पास से 12 बोर का तमंचा बरामद हुआ है। तमंचे सहित इसको हम आर्म्स एक्ट की धारा में इसका चालान कर रहे हैं और साथ ही साथ जो इसके जिस मामले में ये बेल पे बाहर आया है उसी मामले में इसकी बेल कैंसिल। भाजपुर में सीओ वंदना वर्मा ने अभियुक्तों को 1.5 लाख के अवैध स्मैक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। सीओ वंदना वर्मा ने खुलासा करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 2 अभियुक्तों को रेलवे स्टेशन रोड पंजाबी ढाबे के पास घेराबंदी कर 21.01 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तार कर कोतवाली लाया गया है। अवैध स्मैक की कीमत लगभग 1.5 लाख रुपए है, जिनके कब्जे से मोबाइल फोन बरामद हुआ है। साथ ही पुलिस ने यह भी बताया कि NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपियों न्यायालय में पेश किया गया है और शातिरों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये लगातार भाजपुर पुलिस का नशे के खिलाफ अभियान जारी रहा है और लंबे समय से हम लोग इस पर प्रयासरत रहे हैं। इसी के आग पर काम करते हुए ये मुखबिर की सूचना के आधार पर ये भाजपुर पुलिस ने टीम बनाकर 2 अभियुक्तों को रेलवे स्टेशन के पास से पकड़ा है, जिनके पास से 10-10 ग्राम स्मैक दोनों के पास से बरामद हुआ है। इनके पास से साथ में ही एक तराजू, इलेक्ट्रॉनिक तराजू भी बरामद हुआ है, जिसमें ये लोग जिसका उपयोग स्मैक को बेचने के लिए किया करते थे। बताया जा रहा है कि बरेली से ये लोग स्मैक लाते थे और यहाँ पर बेचते थे। पहले भी ये लोग ऐसा काम कर चुके हैं, परंतु पहले ये कभी पकड़े नहीं गए हैं। फिलहाल इनको माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और इनके मोबाइल वगैरह भी कब्जे में लेकर हम लोग उसमें से CDR वगैरह के बेसिस पर एनालाइज कर रहे हैं और अगर इसमें कोई चेन पकड़ी जाती है तो सब। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।